हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। लॉकडाउन के बाद से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम जैसे बड़े शहरों से लोगों के पलायन का सिलसिला पांचवें दिन भी जारी है। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग बड़े बड़े शहरों से आज भी अपने छोटे छोटे गाँव की ओर कूच कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीरें बुलंदशहर की हैं, जहां बुलंदशहर पुलिस दिल्ली समेत बड़े शहरों से अपने घरों की तरफ निकले मजबूर मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग कराने के बाद उन्हें भोजन के पैकेट वितरण कर रही है। पुलिस और प्रशासन के अलावा सामाजिक लोग भी मदद के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, जबकि बुलंदशहर पुलिस भी सामाजिक संस्थाओं की मदद से मजदूर और उनके परिवारों को भरपेट भोजन करवा रही है। भोजन वितरण के दौरान बुलंदशहर के एसएसपी संतोष कुमार भी सड़कों पर मौजूद हैं। हम सुबह से यहाँ चेक कर रहे हैं जी, हमने कम से कम 3000 को चेक कर लिया। क्या बता रहे हैं लोगों को? लोगों को हम बता रहे हैं जी कि यहाँ से जाके घर जाएं और घर जाके हाथ धोएं सैनिटाइजर से, और घर जाके 15 दिन कम से कम घर ही रहें, घर से बाहर नहीं निकलें। देखिए, हमारे जनपद में जो अब आज की तारीख में या कल तक जो स्थिति थी, मैक्सिमम पैदल आने वाले लोग वो थे जो बदायूं जनपद के अलीगढ़ से रहने वाले, और ऐसे लोग सुबह लगभग 3:30-4 बजे के आसपास आज दिल्ली क्षेत्र से निकले हैं, जो अलग अलग रास्तों से पैदल होते हुए यहाँ तक पहुँचे थे, क्योंकि काफ़ी संख्या थी और महिला बच्चे भी साथ में थे, और स्वयंसेवी संस्थाओं ने यहाँ के बहुत अच्छा अपना रोल प्ले किया है। सुबह से ही मेरे पास बहुतों के फ़ोन आ रहे थे, उन्होंने करीब 20,000 पैकेट बनवा रखे हैं ताकि इन लोगों को आपूर्ति हो सके और जो भूखे प्यासे लोग अपने घरों को जा रहे हैं सेटिस्फैक्ट्री तरीके से निकलें। तो सुबह ही हम लोग यहाँ पहुँच गए थे, और जो भी बाहर से पैदल आ रहे हैं उन्हें भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है, थर्मल स्कैनिंग उनकी हो रही है, और उनको बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से बसों में बैठा के सम्मानजनक तरीके से उन्हें भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली लॉकडाउन के पांचवें दिन भी दिल्ली से बड़ी तादाद में लोग अपने घरों की तरफ निकल रहे हैं। बुलंदशहर और उसके आसपास के जनपदों में मुसाफिरों की स्क्रीनिंग कराई जा रही है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। टाइम 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।